सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। जिंदगी में गुरु का होना तो जरूरी है, लेकिन गुरूर का ना होना भी उतना ही जरूरी है। जिंदगी में जब कभी भी दुख आए तो दुखी मत हो जाओ, सुख का महत्व समझो। हमारी किस्मत कोई और नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। आज का पंचांग 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 5:33 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:12 से 4:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, अचानक आया बदलाव आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। आप अभी बातचीत नहीं करना चाहते बल्कि अकेला रहना चाहते हैं। ध्यान करने के लिए समय निकालें और अपने सपनों को लिखें। बुजुर्गों से मिलें और उनके नजरिए से जीवन को देखें। हानिकारक आदतों से हर हाल में बचें। इस जीवन का आनंद धीरे धीरे लें ताकि आपसे कोई बड़ा अवसर छूट ना जाए। आज आप अस्तित्व के नए अर्थों की तलाश करेंगे। आप में से कुछ को सामाजिक न्याय, अल्पतवाद कानून और नैतिक मूल्यों से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। आज भरपूर आत्मविश्वास और मनोबल महसूस करेंगे तथा कठिन से कठिन कार्यों में भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। पारिवारिक रखरखाव में भी कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहेगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह हेतु कहीं बातचीत हो सकती है। अपनी योजना की चर्चा किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ ना करें। काम पर फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपसे जुड़े कुछ लोग काम से अधिक केवल अपने फायदे पर ध्यान देंगे। आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए संगत में बदलाव करना पड़ सकता है। युवाओं को काम के लिए डेडिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। रिलेशनशिप की वजह से परिवार संबंधित जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, ध्यान रखें कि शीघ्रता और भावुकता में लिया गया निर्णय भविष्य में आपके लिए दिक्कतें बड़ी कर सकता है। बेहतर होगा कि किसी की भी सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। प्यार में मिले धोखे से आप भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत के बारे में सोचें। आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। आज धन को लेकर सतर्क रहें और सोच समझकर खर्च करें। आज आप अपने जीवन का अर्थ जानने और शांति पाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कोई भी समस्या है तो अपने साथी को कॉफी पीने लेकर जाएं और दोनों मिलकर चीजों को आसान बनाएं। एक दूसरे के साथ समय बिताने से आप उत्साहित और आरामदायक महसूस करेंगे। आज थोड़ी देर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचें। बात करते हैं करियर की। आज जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है। विदेशियों के साथ व्यापार या काम करना लाभदायक होगा। इस व्यस्त काल में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अस्पताल में मेडिकल जांच अवश्य करवाएं। दीर्घकालीन निवेश से अभी बचें। आज अपने अस्तित्व के अर्थ की खोज में आपका सारा समय खर्च होगा। आज आप में से कुछ लोग सामाजिक न्याय या नैतिक मुद्दों पर विचार करेंगे। राजा की तरह जीवन जिए और हर चीज को अच्छे से हैंडल करें। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें।
मूल मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जो लोग डरते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। बात करते हैं सेहत की। खानपान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है। कब्ज और गैस जैसी स्थिति भी ना बनने दें। सेहत में आ रहे बदलाव के कारण भी चिंता हो सकती है, परंतु चिंता ना करें। आज का उपाय, यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो आज सुबह उठकर स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें, फिर पूरे दिन उपवास करें। मान्यता है कि प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय करने से धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।